प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी बाय शक्ति चटर्जी। टुडे आई विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग मोशंस, यानी फिजिक्स का एक तो प्रॉब्लम दिया है। फिजिक्स का प्रॉब्लम और केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी है। याद रखिएगा, फिजिक्स में इक्वेशंस का आप एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है, और केमिस्ट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो वाला यूनिटरी मेथड में चला जाएगा। एक चीज को ख्याल रखिएगा, मैक्सिमम केस में ही अलग होता है। तो क्वेश्चन जरा सुनिए। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 250 ग्राम एंड 500 ग्राम्स आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शंस। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट, एक तो 250 ग्राम की है, दूसरा 500 ग्राम का है, वो चल रहा है एक ही दिशा में विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यानी 250 ग्राम वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, एंड सेकेंड वाला जो है 500 ग्राम वो 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है। दे कोलाइड एंड अल्टर कोलिशंस आफ्टर कोलिशंस, दिस कोलाइड एंड आफ्टर कोलिशंस, यानी दोनों मिल जाता है और इसके बाद जो घटना होती है क्या, दी फास्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों चल रहा था, दोनों एक साथ मिल गया, तो पहले वाला जो 250 ग्राम वाला है उसका स्पीड बढ़ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो दूसरा का कितना होगा, यानी 500 ग्राम का कितना होगा। इसमें एक तो फॉर्मूला है m u 1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 नहीं करते हैं कुछ, जो m1 m2 जैसा है एला है, तो एला m1 v1 प्लस m2 v2 सिंपली। तो यहाँ m1 कितना है गिवेन में क्या है, गिवेन में m1 इक्वल टू 250 ग्राम, m2 इक्वल टू 500 ग्राम एंड u1 इक्वल टू आपका दिया 4 मीटर पर सेकेंड, लिखिए 4 मीटर पर सेकेंड, एंड u2 इक्वल टू कितना दिया है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, एंड नाउ v इक्वल टू क्या दिया, v इक्वल टू दिया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ऐसा भी हम लोग करते हैं, U को हम लोग इनिशियल स्पीड पकड़ते हैं, V को हम लोग फाइनल स्पीड पकड़ते हैं, इसीलिए वाला चीज लिखा हुआ है। तो नाउ आप लिखे देयरफॉर M1 का जगह में लिखे 250 इंटू U1 इक्वल टू 4 एंड दिस इज प्लस 500 इंटू 2 इक्वल टू M1 250 रहेगा इंटू 5 या प्लस m2 500 रहेगा एंड v2 therefore 1000 प्लस 1000 याला इधर आएगा माइनस 1250 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू v2। हमने यूनिट नहीं लिखे, आप यूनिट जरूर लिखिएगा। therefore क्या हो गया, 2000 माइनस 1250 मतलब 750 बाय 500 इक्वल टू v2। therefore v2 यानी आस्किंग स्पीड इक्वल टू, देखिए कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये 25 से कटेगा 3 हो गया, ये कटेगा 2 हो गया, नाउ 3 बाय 2 इक्वल टू 1.532 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल आंसर है, आप इसको आंसर लिख दीजिए बस।
प्यारे बच्चों, आपको यदि अच्छा लगे आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।